नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये मेरे पास में कावासाकी कैलिबर बाइक आई हुई है, जो कि कस्टमर जो है काफ़ी टाइम से जो है इस बाइक में जो है परेशान है। तो ये बाइक जो हमारे इधर की नहीं है, बाहर की बाइक है। इसमें जो है कस्टमर जो है जो कहना चाहिए फेरी वाला कहना चाहिए वो काम करते हैं इस बाइक में। और ये बाइक जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बाइक को जो है कस्टमर ने जहाँ पे रुका है उधर ही पे जो है दो तीन मैकेनिक को जो है दिखा चुका है, उसके बाद भी जो है इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो इसमें इसका कार्बेटर क्लीन किया गया है, एयर फिल्टर, और इसका इंजन ऑयल भी इसमें चेंज कर दिया गया है। दूसरा चीज़, इसका स्पार्क प्लग, इसमें स्पार्क प्लग भी नया डाला गया, फिर भी इस बाइक में जो है दिक्कत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बाइक में। पहले मैं आपको प्रॉब्लम फेस करा दूँ, तो हम इस बाइक को करेंगे स्टार्ट। बाइक स्टार्ट हुई और इसका साइलेंसर देखिए आप, इसमें जो है साइलेंसर में कोई स्मोकिंग नहीं है, इंजन पर भी ज़्यादा साउंड नहीं है। और बाइक को जब हम रेस कर रहे हैं तो ये रेस भी, ये आरपीएम मीटर है इसका, आरपीएम में फुल थ्रोटल खींचूँगा, 10,000 आरपीएम तक ये बाइक जा रही है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम बाइक पहले बंद करते हैं। जब ये बाइक जो है जब इसमें सामान रखा जाता है और उस समय जब कई जो घाटी पड़ती हैं उस समय जब ये बाइक जो है इसका पावर जो है ऑटोमेटिक से कम हो जाता है और घाटी जो है ये चढ़ नहीं पाती। कहने का ये है कस्टमर का, ये घाटी जो है चढ़ नहीं पाता और उसको लेकर जो सारा कुछ इसमें काम किया गया है, पर ये बाइक का जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आपके पास में आती है तो आपको जो है किस तरीके से इसे सॉर्ट आउट करना है, आज की इस वीडियो हम यही बात करेंगे। तो दोस्त ये होता क्या है, पिकअप अलग हो जाता है और दूसरा चीज़ हमारा जो इंजन का पावर होता है वो कम होता है। जब हम घाटी चढ़ा रहे हैं बाइक को लोड में तो इंजन का जो पिकअप है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, कहना चाहिए जो पावर बनना चाहिए इंजन में वो कम हो जाता है। तो उस टाइम जो है आपको जो है हेड, काफ़ी लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते प्रॉब्लम को जो है और सारा कुछ जो है काम कर लेते हैं, एयर फिल्टर, कार्बेटर और इसका स्पार्क प्लग, पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। पहले ये सारा कुछ अभी हम कोई कुछ चीज़ जो है ओपन नहीं किए हैं, तो ये मैं आपको हेड ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें दिक्कत कहाँ पर थी और प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करके हम दिखाएंगे इसमें। सिलेंडर जो है ओपन कर लिया है और जो कि कहना चाहिए इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसका जो हेड है इसमें, सबसे पहले हम जो है आपको प्रॉब्लम दिखा दें इस बाइक के अंदर जो है क्या हुआ था। ये जो यहाँ पे गैसकेट डला हुआ है तो ये गैसकेट जो है यहाँ से जल चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है यहाँ पर ये जल चुका है। और दूसरा चीज़, इसका जो ब्लॉक है यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो है यहाँ से जल चुका था, जो कि जब ऐसे जो है ताकत इंजन को जो है फोर्स पड़ता था तो ये जो प्रेशर है यहाँ का जो हमारा प्रेशर बन रहा है इंजन का, तो ये प्रेशर जो है यहाँ से लीकेज हो रहा था, ये तो यहाँ से जो है लीकेज हो रहा था और इसमें जो है पावर जो है इंजन में बन नहीं रहा था। तो ये इसका जो पैकिंग है इसमें, जो कि पीछे के हिस्से से देख पा रहे हैं ये जो कंडीशन है इसकी, और यहाँ से जो है ये लीकेज हुआ था और ये जो सिलेंडर है यहाँ से ये लीकेज हो गया था। तो काफ़ी केसेस में जो है वाल लीकेज होते हैं तो बाइक जो है इस तरीके से प्रॉब्लम करती है, और कुछ केसेस में जो है गैसकेट था। अब हम इसमें जो है दूसरा गैसकेट फिटिंग करेंगे और इस बाइक को जो है रेडी करके जो है कस्टमर को दे देंगे। तो आप जो है इस प्रॉब्लम को जो है समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है जब आप काम सीखते हैं उस समय जो है, और इस बाइक के साथ भी यही हुआ कि सारा कुछ जो है इसमें कार्बेटर भी क्लीन किया गया, पेट्रोल ये प्लग जो स्पार्क प्लग भी नया डाला गया और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने इसका हेड जो है पूरे तरीके से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और दूसरा चीज़ इसमें वाल्व जो है हम नहीं डाले हैं, जो ओल्ड वाल्व है वही इसमें फिटिंग है। और तीसरा इसका जो है हमने यहाँ पे इसका पिस्टन को भी क्लीन किया है और ये इसमें गैसकेट डाला है, जो कि इसमें हल्का हमने बॉन्ड का यूज किया है वो इसलिए कि इसका जो हेड है
ये बाइक जो है काफ़ी पुरानी बाइक है, तो ये सारा कुछ जो है हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाइक को जो है स्टार्ट करके हम, तो फ्रेंड्स बाइक का सारा कुछ जो हमने कंप्लीट किया है और बाइक जो है ये जो है कहना चाहिए टेस्ट ड्राइव होके भी हमारे पास आ चुकी है। तो इसमें जो है जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है फॉल्ट पकड़ने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जब भी कहना चाहिए इंजन का पावर जो है कम होता है तो उस समय जो है हेड में प्रॉब्लम होती है। और भी इसमें जो है कई बार ऐसा होता है कि ऑयल का प्रॉब्लम होता है, जो कि हेड में ऑयल नहीं आता तो हीट हेड जो है हीट होगा तो उस समय जो है पिकअप जो है ड्रॉप होगा, पावर कम मिलेगा। दूसरा एयर फिल्टर है, कार्बेटर है, स्पार्क प्लग है, तो ये सारे कुछ जो है जब हम ऐसे पहचानना कैसे है आपको, जब आप गाड़ी जो है खड़ी है, खड़ी बाइक को आप फुल रेस ले रहे हैं तो उस समय जो है बाइक जो प्रॉपर रेस ले रही तो उस समय जो है कहना चाहिए हमारा ये सारा कुछ एयर फिल्टर कार्बेटर प्लग सारा कुछ सही है। और जब हम ताकत लगा रहे हैं बाइक को जो है हम कहना चाहिए हम जो है उसे लोड में चला रहे हैं, वजन रख के जो है चला रहे हैं, तो उस समय जब पिकअप नहीं ले रही बाइक तो उस समय जो है हेड का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरीके से जो है आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक को लेकर।